मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होने देने का संकल्प लिया है। लॉकडाउन के दौरान रक्तदाता को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराएगा रेडक्रॉस। इसकी पहल खरगोन जिले से हुई है। राज्यपाल के जन्म दिवस पर रेडक्रॉस ने कोरोना आपदा में फील्ड में काम करने वाले स्वास्थ्य, पुलिस और नगरीय निकाय कर्मचारियों को सम्मान भी किया। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए बकायदा एक टेलीफोन नंबर प्रदेश के हर जिले में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा जारी किया जाएगा। खरगोन जिला अस्पताल में आज से रेडक्रॉस के अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान 5 रक्तदाताओं ने रक्तदान भी किया है। मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रेडक्रॉस के राष्ट्रीय चेयरमैन हर्षवर्धन जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल लालजी टंडन के जन्मदिन पर सेवा के संकल्प की शुरुआत की गई है। अब पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिला रेडक्रॉस के स्वयंसेवक यह पूरा कार्यभार संभालेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी ने आज से माननीय जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी रेडक्रॉस के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं, उनके निर्देश अनुसार जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं 52 जिलों में जिला अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उनको उनमें रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर एक अभियान की आज से शुरुआत की है। आज हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो रेडक्रॉस के पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनका जन्मदिवस भी है। इसको लेकर हमने सेवा संकल्प के रूप में एक नई शुरुआत की है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक है इन ब्लड बैंकों में अब रेडक्रॉस के माध्यम से एक अभियान चलाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जो लोग रक्तदान देना चाहते हैं उनको लाने लेने की एम्बुलेंस बाइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे, हम लोग पास इशू करेंगे। और हमारा इसके पीछे यही सोच है और यही उद्देश्य है कि जो ब्लड बैंक है उसमें रक्त की कमी ना हो, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं उसी तारतम्य में हम लोगों ने ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया है। और आज से ये एक शुरुआत की गई है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी ब्लड देना चाहता है, जो भी रक्तदाता है, क्योंकि रक्तदान महादान होता है, उसको लाने ले जाने, इसको उसको वापस घर छोड़ने की पूरी व्यवस्था, और अगर कोई ऐसी व्यवस्था करता है कि वो कोई समूह में भी रक्तदान डिस्टेंस बना के जो अभी लॉकडाउन के नियम है उसके अनुसार कराना चाहता है तो हम लोग वहाँ पर अपनी एम्बुलेंस रक्तदाताओं के लिए मतलब पूरी स्टाफ के सहित भेजेंगे और रक्तदान करेंगे। और इसका पीछे यही सोच है कि जो रक्त की कमी ना हो। और आज माननीय राज्यपाल जी का जन्मदिन है, लालजी टंडन जी का, इसको लेकर हमने उनकी जो मंशा थी कि भाई जो कोरोना में स्टाफ जो काम कर रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, वो कोरोना योद्धा के रूप में हम लोगों ने पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी है और जो नगर पालिका के कर्मी हैं उन लोगों का पूरे मध्य प्रदेश में सम्मान भी किया है, फूल बरसा के उन लोगों का सम्मान भी किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।